Assalamualaikum and a very good morning. Jaago Lahore के साथ मैं हूँ सैयदा अरमला हसन. उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे. दिन का आगाज अच्छे से हुआ होगा और कल चूंकि छुट्टी का भी ऐलान हुआ था तो दिन और भी अच्छा. स्कूल्स में छुट्टी है जनाब. आज ऑफिस जाने वालों को बिल्कुल छुट्टी नहीं है और हमें तो बिल्कुल भी नहीं होती. सिर्फ संडे को छुट्टी होती है. कोई बात नहीं, ये काम भी इंटरेस्टिंग है. और जब आप सुबह सुबह आते हैं, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं और जब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं कि उनको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन हम कंडक्ट कर सकते हैं या कर पा रहे हैं तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात होती है. जनाब आज की जो इन्फॉर्मेशन है या रिसर्च है वो भी कुछ इंटरेस्टिंग है. उरन जो कह लेना जो फ्लाइंग कार है उसके बाद अब जो बाइक है वो भी उड़ने वाली तैयार हो चुकी है. जनाब रूसी कंपनी ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उड़ने वाली वो बाइक जो है उसको मुतारिफ करवा दिया गया है. ड्रोन्स और उड़ती गाड़ियों के बाद लोग अब उड़न बाइक के मजे लेने के लिए भी तैयार हो जाएं क्योंकि एक मशहूर जो टेक कंपनी है उसने फिजा में बाइक चलाने के ख्वाब को जो है वो पूरा कर दिया है. इस तरह से S3 हो बाइक के डिजाइन में तजदीद के साथ साथ सेफ्टी के भी इजाफी सिस्टम जो है वो नस्ब किए गए हैं. और ये एयरक्राफ्ट सतह जमीन से 16 फुट यानी कि 5 मीटर उड़ते हुए 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार को बरकरार रख सकती है. और ये स्पीड हर मुल्क में जो कह लें कानूनी तौर पर जायज करार दी गई है. वो बाइक दुबई की पुलिस ने भी खरीदी है जिसका मकसद यही है कि शहर के निजाम को जदीद तकाजों से हम आहंग किया जाए. डेफिनेटली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम अपने इर्द इनोवेशन देख रहे हैं जो वाकई इंसानी अकल को अब आहिस्ता आहिस्ता यकीन आना शुरू हुआ है कि जनाब ये चीज़ें भी पॉसिबल हैं. पहले हवाई जहाज का कॉन्सेप्ट था, फिर उड़ने वाली गाड़ी का कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद फिर उन्होंने बाइक ड्रोन ये सारी चीज़ें जो हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हम हो रहे हैं बहुत सारे मसाइल भी बढ़ रहे हैं. लेकिन कहीं ना कहीं ये तो एक पॉजिटिव चीज़ है क्योंकि आपको जब जिस तरह से मैंने कहा कि पुलिस के लिए ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है. आप इवन जो आप फर्स्ट एड या इमरजेंसी सर्विसेज के लिए भी इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं तो डेफिनेटली बड़ा ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव है जनाब रूसी कंपनी की जानिब से. अगली रिसर्च हम आपके साथ शेयर करते चलिए और आपको हम बताएं कि लोगों की जिस्मानी हरकत के जरिए बनी हैरत अंगेज बर्ड आई पेंटिंग्स. ये बर्ड आई पेंटिंग्स बेसिकली क्या है, ये वो पेंटिंग होती हैं नहायत मुनफरद अंदाज में इस तरह से बनाई जाती हैं. ये बर्ड आई व्यू होता है यानी हवा में उड़ते हुए परिंदे जो मंजर देखते हैं, जो फिजा में देखते हैं उसको कैप्चर किया जाता है. और ये जो आर्टिस्ट हैं ये अमेरिकन आर्टिस्ट हैं, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की बर्ड आई पेंटिंग्स बनाकर दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया है. और चूंकि ये सोशल मीडिया पे पॉपुलर हुए और लोगों के चलने फिरने की बात की जाए या दीगर जिस्मानी अंदाज की बात की जाए तो इनको नहायत हैरत अंगेज जो कह लें तरीके से इसको बनाया गया. स्प्रे पेंटिंग्स का इस्तेमाल, स्प्रे के जरिए इन पेंटिंग्स को बनाया गया है और बर्ड आई पेंटिंग के हवाले से शोहरत रखते हैं. बल्कि वो स्प्रे से ना सिर्फ ये आर्टिस्ट अमेरिकन आर्टिस्ट जो है ना वो पॉपुलैरिटी रखते हैं बल्कि उन्होंने अपनी इस वीडियोस को सोशल मीडिया पर भी डाला और वहाँ पे इनको बहुत सारी अप्रिसिएशन भी मिली. ऊंचाई से जब लोग देखते हैं तो उन्हें अपने फेवरेट करेक्टर्स भी नज़र आते हैं जिनमें मोनालिजा की बात की जाए, मालिनोर की बात की जाए, बॉक्सर मोहम्मद अली, इन सब की पिक्चर्स जो हैं उन्होंने बर्ड आई पेंटिंग्स की शक्ल में बनाई हैं और बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी मिल रही है इनको सोशल मीडिया पे. हमेशा की तरह सोशल मीडिया जो है एक बहुत इजी एक्सेस है अपना टैलेंट स्किल दुनिया को दिखाने के लिए. देखें आज हम पाकिस्तान में बैठे हैं और हम एक अमेरिकन आर्टिस्ट को डिस्कस कर रहे हैं, शायद अब टेक्नोलॉजी ने बहुत चीज़ें हमारे लिए आसान कर दी हैं. तो ये आज की हमारी रिसर्च थी जो हमने आपको बता दी. इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बेसिकली होता क्या है, हम क्यों इसका शिकार होते हैं, इसको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं. और ये साइकोलॉजिस्ट ही हमें बेहतर तौर पर बता सकती है कि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्या है, हमें इसको किस तरह से डील करना है. हमारे साथ आलिया सलीम मौजूद होगी. वेलकम टू द शो आलिया, कैसी हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक. आलिया बेसिकली इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है क्या? इसको ये कह लें कि एहसास कमतरी, यानी कि उर्दू में इसको एहसास कमतरी, ये एक ऐसा एहसास है जो बचपन में ही डेवलप हो जाता है. यानी कि अगर आप सबसे पहले घर का माहौल मैटर करता है कि आप घर में, आप जैसे एक बच्चा है अगर उसको घर में वैसी तवज्जो नहीं मिलती जैसी उसको दूसरे बहन भाइयों से अगर उसको मिल रही है, या सेकंड नंबर का कोई बच्चा है या थर्ड नंबर पे कोई बच्चा है तो उसको वैसी टेंशन नहीं मिलती तो वह सासे कमतरी का शिकार होना शुरू हो जाता है कि मुझे वैसी क्यों नहीं इंपॉर्टेंस मिलती. या 4-5 किस्म की
जो हैं वो बातें होती हैं जिसकी वजह से एहसास कमतरी का एहसास पैदा होता है। कुछ लोग जो होते हैं वो खूबसूरती की वजह से कि उसकी शक्ल अच्छी नहीं है, दूसरे लोगों की शक्ल बहुत अच्छी है, बच्चों में ये भी चीज़ डेवलप होना शुरू हो जाती है। मैं मेरी बॉडी शेप अच्छी नहीं है, यानी कि किसी का बहुत पतला होना, किसी का बहुत मोटा होना, ये भी फैक्टर है। इसके अलावा ये कि कपड़ों की वजह से भी कि आप जाएँ, सबसे ज़्यादा ये कि हमारे जो मुआशरे में है सबसे ज़्यादा है पॉवर्टी, जिसकी वजह से लोग इससे दूसरों को देखने के बाद और वो एहसास कमतरी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। और हमारे सोशल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से लोग जब किसी जगह पे जाते हैं वहाँ जाके उनको उसके मुताबिक वहाँ पे तवज्जो नहीं मिलती, या वहाँ पे जाके हर अब देखें कि एक दौड़ लगी हुई है, फैशन की दौड़ लगी हुई है, इससे भी ये जो है ना वो लोग बहुत मुतासिर होते हैं। जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पे जाके लोगों को देखते हैं तो वो अपनी शख्सियत का मुवाजना करना शुरू कर देते हैं दूसरे की शख्सियत के साथ, जिसकी वजह से उनमें ये एहसास पैदा होना शुरू हो जाता है कि वो यहाँ पे मिसफिट है। सही, वो वहाँ पे उस तरह का जो उसका किरदार है वो सही तरीके से अदा नहीं कर पाता, और वो अपनी उन सलाहियतों को भी नहीं उजागर कर पाता जो वहाँ पे वो दिखा सकता है। इस तरह की इसी तरह से ये एहसास कमतरी का एहसास डेवलप होता होता बहुत सारी प्रॉब्लम जाके आप देखें कि इसमें से लोग साइकोसिस के पेशेंट बन जाते हैं, न्यूरोसिस के पेशेंट बन जाते हैं, और ये इससे डिप्रेशन, एनजाइटी, ये सारी चीज़ें डेवलप होते होते वो एक ये कह लें कि वो एक पेशेंट की सूरत में वो जो है ना वो पर्सनैलिटी बन जाती है। बच्चे को शुरू से ही अगर आप एक अच्छा माहौल दें, उसको एक सबको इक्वलिटी दें, तो बच्चा कभी भी इस तरह के एहसास से दो चार नहीं होगा। इसके अलावा ये देखें कि आप आजकल ब्रांड्स की दौड़ है, इसमें भी ख़वातीन का जो है, ख़वातीन को अगर आप उसमें शामिल करें तो वो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा वो जो है दूसरों को देख के वो ये नहीं देखती कि ये चीज़ मैं कर भी सकती हूँ या नहीं, वो इस चीज़ को करने की कोशिश करती हैं। जैसे घर का माहौल कैसा है, घर में उनके उस तरह के वो उनके हालात हैं या नहीं हैं, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि वो इन चीज़ों को ज़रूर हासिल करें। उससे घर का माहौल ख़राब होता है, आपस में ताल्लुकात ख़राब होते हैं, और ये चीज़ें जो होती हैं वो फिर घर घर में जो है ना बिगाड़ता। अच्छा, बच्चों में हमेशा से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाल दिया जाता है, कुछ इन्फीरियरिटी का शिकार हो जाते हैं, जैसे आपने बहुत सारे फैक्टर्स हमारे साथ डिस्कस किए, लेकिन आलिया ज़रूरी तो नहीं कि बच्चा इन्हीं फैक्टर्स की वजह से, या बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज होते हैं, कुछ ट्रामाज होते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें भी बच्चे एहसास कमतरी, इस तरह भी हो सकता है। देखिए, जब हमारे पास स्पेशल बच्चे भी, मैं स्पेशल बच्चों के हवाले से बात करूँ, क्योंकि जो मेरा ज़्यादातर तो उनके साथ ही ज़्यादा वास्ता पड़ता है, या दूसरे जो मेरे पास ऐसे लोग लेके आते हैं। अब ये देखिए कि मैं जब एक प्रैक्टिस कर रही थी CMH में, तो वहाँ पे हमारे पास ऐसे बच्चे भी आए जो बहुत अच्छी फैमिलीज़ के साथ, और ये कह लें कि वो इतनी अच्छी अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, और वो इस चीज़ का उनको एहसास हो रहा है कि वो किसी ना किसी जगह पे कहीं ना कहीं लेक कर रहा है उनकी पर्सनैलिटी, या उनकी कोई सलाहियत जो है वो उसमें आ रही है। तो वो लोग इस तरह की चीज़ों का शिकार हो जाते हैं कि वो बोलते नहीं हैं। स्पीच थेरेपी के हवाले से बात करी कि वो जब आते हैं तो उनसे बात नहीं हो रही, स्टैमरिंग शुरू हो जाती है, रुक रुक के बात करना शुरू हो जाते हैं। इतनी अच्छी पर्सनैलिटी के लोग, वो कोई ना कोई ऐसी बात होती है स्कूल में, कॉलेजेस में, घर में, कि वो उसका शिकार हो जाते हैं। कोई किसी की कोई परेशानी की वजह से उनके जो होता है वो अचानक पीछे आना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह के जब तक आप बच्चे को इम्पोर्टेंस देते रहते हैं, बच्चा ग्रो करता रहता है, करता रहता है, लेकिन जहाँ पे उसको उसकी कहीं ना कहीं से पर्सनैलिटी पे आप कहीं ना कहीं उसको इग्नोर करें, या उसकी किसी बात को पॉइंट आउट ही कर दें किसी के सामने, वो अचानक ही ये कह लें कि जो एक स्टेप नहीं आता, 10 स्टेप पीछे चला जाता है। और उसके लिए ये बड़ी पेरेंट्स के लिए भी परेशानी की बात होती है। और यहाँ पे तो अब पाकिस्तान में ये देखें कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं या जो भी आता है, मोस्टली यही पीछे वजह होती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात बचपन से रिलेटेड होती है, या कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होती है जिसकी वजह से वो पर्सनालिटी जो है ना वो बिल्कुल कंपैरिजन अभी तो आलिया बहुत जल्दी किया जाता है आपस में, चाहे बहन भाई हैं, चाहे कजिन हैं, चाहे फैमिली मेंबर्स हैं, कंपैरिजन भी इंसान को एहसास कमतरी बिल्कुल यही तो मैंने आपको शुरू में बताया कि जब वो अपनी अपने आप को वो करता है अपने बहन भाइयों के साथ कि मेरे ये बहन भाई हों, कजन हों, कि इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। ठीक है, कुछ माँ बाप भी बहुत ज़्यादा करते हैं, फैमिली मेंबर्स भी करते हैं, तो इस वजह से वो एहसास कमतरी का शिकार होता है।
अब ये देखिए कि बच्चों में इस वजह से लर्निंग डिसेबिलिटीज पैदा होती हैं। जब वो बच्चे को आप एक स्कूल को ही ले लें, एक बच्चा वो जो है थोड़ा सा अपने स्कूल में अपनी क्लास में वैसा वो काम नहीं कर पा रहा जिस तरह दूसरे बच्चे कर रहे हैं, तो हम उसको ये नहीं करते कि हम थोड़ा उसको अप्रिशिएट करें, उसको कुछ मोटिवेट करने की कोशिश करें कि आप भी कर सकते हो। हम उसको थोड़ा सा ये कहना शुरू हो जाते हैं जी आप तो कर ही नहीं सकते, आपको ये काम कहा था आपने किया क्यों नहीं, वो बच्चा थोड़ा सा पीछे हो जाता है। अब वो बच्चे ऐसे होते हैं जो मेंटली डिस्टर्ब नहीं होते लेकिन उनकी रफ्तार स्लो होती है। हमने उनको किस तरीके से कवर करना है, उनको इस तरीके से कि उनको आप उनके साथ लेके जाएं, और हमारा रवैया मैटर करता है, जो उसको एक साइकोलॉजी का कह लें या साइकोलॉजिस्ट का कह लें या इसके अलावा ये कह लें कि घर में पेरेंट्स का, बहन भाइयों का, जो इसका जो जो उसको हेल्प कर सकते हैं, तो ये हमारे रवैये ज़्यादा मैटर करते हैं। क्योंकि जो एहसास कमतरी का शिकार हो रहा है वो उसकी सोच है, क्योंकि उसको सोच रहा है कि ये मेरा ऐसे मेरे साथ ऐसे हो रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी कैफियत है जो सोच से ही पैदा होती है, वो दूसरों को देख रहा होता है और वो उसकी सोच डेवलप हो रही होती है कि ये लोग मैं तो ऐसा हूँ, ये लोग ऐसे हैं, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, ये खूबसूरत है, मेरे पास दौलत है, इसके पास मेरे पास दौलत नहीं है, इनके पास दौलत है, मैं ये नहीं कर सकता, ये कर सकता है। ये कंपैरिजन ही, जो आपने ये बात की, ये कंपैरिजन ही रीज़न सबसे ज़्यादा, मोस्टली ज़्यादा रीज़न यही है जब हम कंपैरिजन करते हैं, और उसके बाद जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो उसके बाद जो लोग इस चीज़ को ज़रा बेहतर तरीके से सोच लेते हैं कि जी ठीक है जो अल्लाह ताला ने दे दिया ठीक है, वो पर्सनैलिटी एक ये कह लें कि वो अच्छी सूरत अच्छी ट्रेट हो जाती है। हाँ, लेकिन जो ये लोग सोचते रहते हैं हर वक्त कंपैरिजन करते रहते हैं गाड़ी देख के इसकी गाड़ी अच्छी, हालांकि अपने पास गाड़ी है भी लेकिन अपने से बेहतर देखकर भी। जी बिल्कुल, ये हम अब बेहतर की तलाश में हम जो हमारे पास चीज़ों से महरूम रहते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि ये देखें कि एहसास कमतरी हर एक जो है ना जिंदगी के जितना भी जो भी हम हमारे स्टेप्स हैं वो उसमें कहीं ना कहीं फॉल करती है हर जगह पे, चाहे वो आपके काम की सूरत में हो, आपकी लाइफ की सूरत में, यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ की सूरत में हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे ये एहसास आपको हर एक नॉर्मल इंसान को भी फील होता है। और कुछ लोग होते हैं वो इसको फील करके जी चलो ठीक है कोई बात नहीं, और कुछ लोग हैं जो उसको इतना डीपली फील करते हैं। अच्छा आलिया, जो ये एहसास कमतरी है आजकल हम देखते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, इवन यंग बच्चों में, छोटे बच्चों की बात की जाए, बड़ों की बात की जाए, इवन बुढ़ापे में जाके डिप्रेशन, ये सारी चीजें ऑब्वियसली एक अर्ली एज से शुरू होती है, तो इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के हद तक इंसान को डिप्रेस या स्ट्रेस्ड आउट कर सकता है। ये तो आप ये कह लें कि ये इतने ज़्यादा पीक पे जा सकता है कि ये देखिए इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की जहाँ तक हम बात करते हैं ना, इसमें इंसान की पर्सनैलिटी नीचे डाउन 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 होती चली जाती है, एनजाइटी आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, और बाज़ का तो वो इस हद तक कि वो दुनिया से किसी के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं रखना चाहता, कि वो चाहता है कि वो बस अकेला ही रहे, और वो तन्हाई में वो अपनी एक दुनिया बनाने की कोशिश करता है कि मैं इस दुनिया में ही रहूं, कम से कम मेरे साथ इर्द गिर्द कोई नहीं है। और ये तो जाहिर है आप देखें कि ये एक ऐसी डिजीज़ है कि आप उसके बाद आपका ये एक स्टेप बाय स्टेप ये कह लें कि आप एबनॉर्मेलिटी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। मेंटल हॉस्पिटल में आप लोग जाएँ तो वहाँ पे इस तरह के आपको ढेरों ढेर केसेस मिलेंगे, वहाँ पे लोग इसी वजह से कि जी उनको ये उनके पास ये था, फलां के पास ये था, मेरे पास नहीं था, वो ज़हनी तौर पे इतना डिस्टर्ब हुआ कि वो घर में चीज़ें तोड़ना शुरू कर दी, दूसरों को मारना शुरू कर दिया। और लोग सबसे ज़्यादा ये सोचते हैं कुछ फैमिलीज कि हम इनको इनका कोई इलाज करें, इनके साथ कोई थेरेपी करें, इनकी कोई काउंसलिंग करें, इनको साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं, वहाँ पे जाके इसको बेहतर तरीके से इसका इलाज करवा लें। लोग ऐसे लोगों को जिन कुछ लोगों को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं जी ये पागल हो गया अब इसको, यानी कि ये देख रहे। और फिर उसके बाद एक आ जाता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये भी एक तरह की आप कह लें कि ये भी एक बीमारी ही है। उसमें इंसान अपने आप को समझता जी मैं तो कोई बहुत ही आला अरफा चीज़ हूँ, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं है। वो अपने किसी की बात को कोई अच्छी भी बात होगी या जो भी है वो उस बात को कमतर ही समझेगा, उसकी अपनी बात ही अथेंटिक होगी। तो ये दोनों ही जो है, फिर इसीलिए तो हम कहते हैं कि हर चीज़ में जो है थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए, थोड़ा ताकि आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो कर सके। सेक्चुअली लोग किस तरह इस चीज़ में मुतासिर होते हैं, एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, कुछ लोग इस वजह से भी देखें इस तरह के भी पेशेंट आते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ये देखिए मैंने आपको बताया ना कि ज़िंदगी के हर शोबे में कहीं ना कहीं वो उसकी सोच इस बात पे आके अटक जाती है कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, ये वाली बात आ जाती है कि किसी ना किसी जगह पे आके वो ये सोचता है
कि इस चीज़ की कमी रह गई मुझ में, ठीक है, ये चीज़ मेरे में नहीं है। हम दूसरों की खूसियात को देख के वो चीज़ें अपने में ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो हमारे अंदर हैं खूबियाँ हम उनको दूसरों के सामने नहीं जाहिर करते, वो पीछे चली जाती हैं। और ये कह रहे हैं कि दूसरों की नज़र में हम बिल्कुल वो समझना शुरू हो जाते हैं कि हम ज़ीरो हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। आप देखें कि आपकी पर्सनैलिटी देख लें तो आपको आप भी सोचती होंगी कभी ना कभी, जहन में कोई ना कोई बात आती होगी किसी को देख के, ठीक है, आती है ना। तो ये इंसानी फितरत है कि अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में रख दिया कि हमने कंपैरिजन कोई करे ना करे हम खुद से करने लग जाते हैं। आगे आज के टॉपिक के हवाले से कोई मैसेज आप हमारे देखने वालों को देना चाहें? सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग, मेरी पेरेंट्स से ही रिक्वेस्ट है कि जब बच्चा घर, सबसे पहले घर से सीखता है, तो आप कोशिश करें कि घर का माहौल इस तरह का हो कि बच्चे कभी भी कंपैरिजन वाली कैफियत में ना जाएं। और उसके बाद बच्चों को हमेशा इस तरह आप करें कि कभी भी उनमें ये ना, कोई भी डिफरेंस ना रखें। और उसके बाद जहाँ तक बाहर जाने की बात है, मुआशरे की बात है, क्योंकि देखें अगर बच्चे की ग्रोथ सही होगी तो आगे भी सब कुछ ठीक होगा। यानी कि सबसे पहले घर का माहौल ही हमारा ऐसा है कि वो इन सब चीज़ों पे मैटर करता है। और मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जितना बच्चों के साथ आप अच्छे तरीके से उनको एक आज़ादी के साथ और एक बैलेंस माहौल देंगे और उनके साथ इक्वल रहेंगे तो बच्चा घर में भी उतना ही कॉन्फिडेंट होगा और बाहर भी उतना ही होगा। जनाब आज का टॉपिक हमारा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पे था। थैंक यू वेरी मच आलिया, बहुत शुक्रिया। जब बच्चों को इवन बहुत अर्ली एज में सारे मसाइल शुरू होते हैं, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, कंपैरिजन और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, हमेशा अपने से बेहतर की तलाश में हम इस चीज में पड़ जाते हैं जिससे हमें फॉर द लॉन्गर रन बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।